खत्म करने से पहले एक बात मैं सब लोगों से आम तौर पर अपने लोगों से खास तौर से कहना चाहता हूं कि हराम काम मत करो, अपनों को, अपने आप को, अपने चहितों को, अपने लोगों को, अपने देश वालों को, मानवता को, इंसानियत को खतरे में मत डालो। हर तरह की मुश्किल को बर्दाश्त कर लो इस वक्त, और सोशल डिस्टेंसिंग के जो नियम हैं, अगर सरकार ढीला भी कर दे, मैं कहता हूँ एक वक्त ऐसा आएगा कि सरकार को कुछ ना कुछ ढील देनी पड़ेगी, तब भी आप अपनी मर्जी से अपने ऊपर इस लॉकडाउन को सख्ती से चालू रखें, सिर्फ जरूरी काम ही करें, बाकी काम को अपने बंद कर दें खुदा के लिए। कि एक 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 नियम डॉक्टरों ने, सारी दुनिया के डॉक्टर इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इकट्ठा नहीं होना है। अब जब इकट्ठा नहीं होना, इकट्ठा होने की आप कोशिश करेंगे तो उससे फायदे के बजाय नुकसान होगा, नुकसान होगा तो आप गुनहगार होंगे। आपको गुनाह से बचना ही सबसे ज्यादा जरूरी है मालिक को राजी करने के लिए। तो आप अगर अपने घर में रहेंगे और उस गुनाह से बचेंगे, लोगों को हलाकत में डालने की, बर्बाद करने की, लोगों के जीवन छीनने की और लोगों की दुश्मनी से बचेंगे, तो आपका मालिक आपसे राजी हो जाएगा। उसको मालिक को तो आपका दिल देखना है, आपकी नीयत देखनी है।